बड़ा मलेरा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने कहा कि भाजपा के नेता व कार्यकर्ता खुलेआम क्षेत्र में घूम रहे हैं, पुलिस को केवल कांग्रेस के नेताओं, प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं पर ही कार्रवाई करना आता है। कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि भगवा में उनकी गाड़ी को रोक लिया गया, उनसे अभद्र व्यवहार किया गया, इसके साथ ही गंदे शब्द बोले गए। रामसिया ने कहा कि अगर उन्हें भाजपा जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन जान से मारना चाहती है तो मार दे, उनको 8-10 दिनों से परेशान किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस अधिकारी उनको आश्वासन देते हुए नजर आए। वे रामसिया भारती को समझाते हुए कह रहे हैं कि वो काफिले के साथ नहीं जा सकती और वे इस बात को सुनिश्चित करने आए हैं, उनको कोई परेशान नहीं करेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।